अचार का नाम सुनते ही हम सब के मुंह में पानी आ जाता है। आज के इस वीडियो में मैंने एकदम हेल्दी हल्दी का अचार बनाया है। नाम भी कितना मिलता जुलता है, हेल्दी और हल्दी। हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ने में मदद होती है। इस अचार को बनाना बहुत आसान है ही, प्लस आप इसे पूरा साल स्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3-4 छोटी छोटी टिप्स फॉलो करनी है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अचार बनाने के लिए मैंने अचार का मसाला घर पे ही बनाया है। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अचार बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक फूड रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 400 ग्राम फ्रेश हल्दी ली है। हल्दी ऊपर से दिखने में बिल्कुल अदरक की तरह दिखती है। चम्मच की मदद से हम हल्दी का ऊपर का छिलका निकाल के लेंगे। आप चाकू से भी हल्दी का ऊपर का छिलका निकाल सकते हैं। फ्रेश हल्दी ऊपर से अदरक की तरह दिखती है, लेकिन आप देख सकते हैं छिलका निकालने के बाद ये कितनी येलो लग रही है। तो इसी तरह से हमें पूरा छिलका निकाल लेना है हल्दी का। यहाँ पे मैंने सारे हल्दी के छिलके निकाल के लिए हैं। ये जो छिलके हैं उसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप फैन के नीचे सुखा के पाउडर बना के सब्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप सर्दी खांसी का काढ़ा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम हल्दी को कट करके लेते हैं। आप अपनी पसंद से कौन सी भी शेप में हल्दी को कट कर सकते हैं। हल्दी को कट करते समय ग्लोव्स पहने, क्योंकि जो हल्दी से हमारे हाथ स्टेन हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं पहने हैं। सारी हल्दी को मैंने कट करके लिया है। अब हमें इसे प्लेट में निकाल के धूप में 1 घंटा सूखने के लिए रख देते हैं। आपको अगर धूप देना पॉसिबल नहीं है तो फैन के नीचे भी रख सकते हैं। जब तक हमारी हल्दी सूख रही है तब तक हम अचार का मसाला बना के लेते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, फटाफट बन जाता है। इसके लिए मिक्सी की जार में हम 2 चम्मच जीरा लेंगे, 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच राई लेंगे। इसके बाद हम लेंगे 1/2 चम्मच लौंग, 1 चम्मच हींग पाउडर, 3 से 4 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। इन सबको ग्राइंड करके हमारा अचार का मसाला बिल्कुल रेडी है। देखा कितना फटाफट बन जाता है। आप भी इसे अचार बनाते समय ज़रूर बना के देखिए। यहाँ पे मैंने हल्दी को 1 घंटा धूप में रखा था। हल्दी को ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस थोड़ा ड्राई करके लेना है फैन के नीचे या फिर धूप में, नहीं तो हल्दी के ऊपर थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाता है तो अचार खराब होता है। अचार बनाते समय पानी का टच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने हल्दी को बाउल में लिया है। इसके ऊपर डालेंगे 3 चम्मच नमक, और हमने जो अचार का मसाला बना के रखा था वो सब इसमें ऐड करके मिक्स कर लेना है। अचार बन रहा है तो खट्टा तो होना चाहिए, तो खट्टेपन के लिए यहाँ पे मैंने नींबू यूज़ किया है, नींबू का रस। मैंने यहाँ पे पूरे 1 नींबू का रस यूज़ किया है। आपको अगर ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप 2 नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको फिर से अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब मैंने यहाँ पे तेल लिया है। इस तेल को मैंने धुआं निकलने तक गर्म किया था और वापस इसे पूरा ठंडा किया है। अब इसे ठंडे किए तेल को हम इसमें ऐड कर देते हैं। ध्यान रहे आपको गर्म तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ठंडा किया तेल ही यूज़ करना है। आप कौन सा भी तेल यूज़ कर सकते हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है। अब यहाँ पे मैंने कांच का बर्तन लिया है। इसको मैंने अच्छे से धो के धूप में सुखा के लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार खराब हो सकता है। अब हम इस ड्राई और क्लीन कांच के बर्तन में हमारा जो अचार है वो भर के लेते हैं। अब ऊपर से और तेल ऐड करना है। हमारा जो अचार है वो डूबना चाहिए तेल में पूरा। इससे क्या होगा, हमारे अचार को फंगस नहीं लगेगा और अचार सालों तक टिका रहेगा। हल्दी, नमक और तेल, ये तीनों चीज़ें अचार में प्रिजर्वेटिव का काम करती है। हमें इसमें दूसरा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, हमारा हल्दी का अचार बिल्कुल रेडी है। इस अचार को आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद आपको इसको मिक्स करके वापस रखना पड़ेगा। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।